तो स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस टेन ए। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इट इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 8.4। नाउ हाउ टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के जो स्टेप है, अगर हम इस पर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही। सेकंड स्टेप, सारे रेशियो साइन कोस में चेंज करें, तो ऑलरेडी साइन कोस में है, कोस तो है ही नहीं, तो साइन तो चेंज है ही। हर एलसीएम हम ले नहीं सकते, एलजेब्रिक आइडेंटिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो लास्ट हमारे पास क्या, रेशनलाइजेशन। हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, हम क्या करते हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वन साइन ए एंड दिस, बट अपोजिट साइन। हम क्या करते हैं, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, रूट को थोड़ा आगे बढ़ा सकते, बढ़ा करके आप वन प्लस साइन ए से अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, रूट चलता रहेगा, ये दोनों सेम है, तो ये वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है। रूट को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने पर हमें मिलेगा वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट, एंड रूट के ऊपर मिलेगा, रूट में मिलेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो बट वन प्लस साइन ए रह जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ से वन प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट है तो हट जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है कॉस ए, सेपरेट कर लेते हैं, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो वन अपॉन कोस ए जो होता है वो sec a होता है, एंड साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू टेन ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज द डिमांड ऑफ आवर क्वेश्चन। तो यहाँ कंप्लीट होता है सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन।